बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाएं हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज रेवड़िसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेवड़िसिया टीवी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा, 15 मार्च यानी आज का दिन हमारे बहुजन नायक माननीय कांतिराम साहब जी की जयंती है, और इसी शुभ अवसर पर हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक है, क्योंकि भीम आर्मी एक सामाजिक पार्टी थी तो उसको आज राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने वाले थे। तो क्या है पूरी जानकारी, सासाराम से हमारे साथ जुड़ गए हैं विजेंद्र कुमार भारती जी। तो विजेंद्र जी, क्या जानकारी है? आज माननीय साहब कांशीराम की जयंती पर भीम आर्मी के तत्वाधान में जो रविदास आश्रम में जयंती मनाया गया, आज एक बड़ी ऐलान होने वाली थी। जो भीम आर्मी के चीफ जो हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आज शायद पार्टी का ऐलान करने वाले थे। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे महासचिव जो रोहतास जिला के महासचिव गुड्डू कुमार जी हैं, जो आज ऐलान होने वाला था, उस पर आपका क्या विचार है? आगे की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? क्या संगठन जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी चलेगी या राजनीतिक दल चलेगा? गुड्डू कुमार जी, सबसे पहले बहुजनों में जन्मे महापुरुष के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही साथ आज बहुजनों का नायक, दलितों का मसीहा मानवर कांशीराम जी का जन्म तिथि, भीम आर्मी भारत एकता मिशन रोहतास, साथ ही साथ संत रविदास आश्रम के सदस्य गण के माध्यम से मनाया गया। और आप जो अभी क्वेश्चन किए कि भारत में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का सुप्रीमो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने माननीय कांशीराम के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा संकल्प लेने वाले थे, और वो संकल्प था बहुजनों के बीच में, वो संकल्प उतारे जिसका नाम था राजनीतिक पार्टी। और भाई साहब ने कॉन्फ्रेंस में अभी दिल्ली बैठे हुए हैं, कुछ ही मिनटों में पार्टी का नाम उभर के पूरे बहुजनों के बीच में, पूरे देश के बीच में आएगा। इसके बाद में हम लोग जैसा उनका आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ आपने पूछे कि क्या कारण है पार्टी बनाने का, तो कारण सिर्फ एक ही वजह है कि सदियों से हम लोग देने वाले बने, लेने वाले बने, यानी मांगने वाले बने हैं। चंद्रशेखर भाई यानी भीम आर्मी के सुप्रीमो का सोच था मानवर कांशीराम वाला कि सदियों से हम लोग लेते आए हैं यानी मांगते आए हैं।